हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले का जो वीडियो हमने बनाया था 3D वर्ल्ड के राजा और 5D वर्ल्ड की रानी का, जो आप सभी को बहुत ही पसंद आया, इसलिए उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं ये पार्ट 2 बना रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि मैम प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, ताकि हमें मस्कुलिन के बारे में और भी चीज़ें जानने को मिल पाए। तो इसीलिए ही आपकी रिक्वायरमेंट से मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। दोस्तों, ये ट्विन फ्लेम जर्नी आप सभी की ही कहानी है, और हमारे प्यारे डिवाइन फेमिनिन का रोल इस जर्नी में कितना चुनौती भरा और परीक्षाओं से भरा हुआ होता है, ये शॉर्टली मैंने आपको उस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है कि हमारे 5D वर्ल्ड की रानी किस तरह से अपने 3D वर्ल्ड के राजा के पास जाकर पहुँच जाती है, और किस तरह से उसे ईश्वर के आदेश का पालन करना पड़ता है, और वो अपने जीवन कार्य में किस तरह से अपने आप को समर्पित करती है। लेकिन इस जर्नी में हमारे 3D वर्ल्ड के राजा यानी कि हमारे डिवाइन मस्कुलिन का क्या रोल होता है, और क्या वो अपने फेमिनिन के रहस्यों के बारे में जानने में सफल हो जाते हैं, क्या इस जर्नी में फिर से उन्हें फेमिनिन से मिलवाया जाता है, या बिछड़ने के बाद फेमिनिन के बारे में वो क्या सोचते हैं, और क्या यूनिवर्स सच में इन दोनों आत्माओं को फिर से मिलवाती है या नहीं, और क्या वो अपने फेमिनिन के लिए अपने 3D वर्ल्ड को छोड़ने के लिए राजी होते हैं, और क्या उसके साथ वो रीयूनाइटेड होने में सफल होते हैं, और उनका इस जर्नी के बारे में क्या सोच विचार होता है, और वो क्या चीज़ें हैं जो डिवाइन फेमिनिन की उनको बहुत अच्छी लगती है, उन्हें पसंद आती है। तो आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में ट्विन फ्लेम जर्नी के मेन कैरेक्टर, जिनको हम डिवाइन मस्कुलिन कहते हैं, वो इस जर्नी में क्या रोल प्ले करते हैं। मैं तो उन्हें 3D वर्ल्ड के राजा ही कहती हूँ, क्योंकि वो होते ही है शहंशाही करने वाले। अगर उनकी क्वालिटीज़ की बात करें तो चलो हम सभी फिर से एक बार इस जर्नी का सफ़र करते हैं। आप सभी फिर से एक बार अपनी इस जर्नी पर नज़र डालिए। आप सभी अपनी डिवाइन मस्कुलिन को अपने सामने लाइए। सोचिए उनके बारे में कि जब आप पहली दफ़ा उनसे मिले थे, जब उनकी फर्स्ट एंट्री आपके सामने इस जर्नी में हुई थी, जब आपका उनके साथ आई कांटेक्ट हुआ था, तब उस पल हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन जब पहली दफ़ा उनके सामने आई थी, तो उसके अंदर से एक आवाज़ आई थी कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, हम एक ही है, या फिर तुम कहाँ थे अब तक, या अब मिले हो मुझे, मैंने इतना सफ़र तुम्हें ढूंढने में गंवा दिया है। यह डिवाइन मस्कुलिन को देखते ही वो शॉक हो जाती है, और उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगती है। वो शायद घबरा जाती है, शर्मा भी जाती है, या उन्हें देखने के बाद वो अपना सर झुका लेती है, या फिर उन्हें जानबूझकर वो इग्नोर करने लगती है। उसकी सांसें बढ़ने लगती हैं, उसको रोना भी आ सकता है, वो कमज़ोर होने लगती है, वो इमोशनल होने लगती है, जैसे कोई नदी अपने सागर से मिल गई हो। उस तरह के शांति के विचार तरंग नदी की तरह उसके अंतर आत्मा में बहने लगते हैं, जैसे कि उस शांति को पाने के बाद अब पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता है उसके पास, क्योंकि उसकी बरसों की थकान जैसे ख़त्म हो गई होती है। इस तरह का सदियों से भरा सफ़र जैसे उसने पार किया हो, बस ऐसा ही कुछ एहसास उसे पहली मुलाकात में ही महसूस होने लगता है। तो ये सारी बातें हमारी डिवाइन फेमिनिन जानती ही है, लेकिन उस पलों में हमारे डिवाइन मस्कुलिन की क्या सोच होती है, और वो क्या सोचते हैं अपनी फेमिनिन से मिलने के बाद कि अरे ये कौन है, और ये मुझे क्यों इस तरह से देख रही है। एक दो मीटिंग में तो वो उसे बहुत ही कैजुअली और नॉर्मली ही लेते हैं, और अपने ही मन से सोचने लगते हैं कि चलो छोड़ो, मुझे तो कोई भी देख सकता है, क्योंकि मैं हूँ ही इतना स्मार्ट, मैं हूँ ही इतना हैंडसम, मैं हूँ ही इतना अमीर, और मैं हूँ ही इतना चाहने वाला कि कोई भी मुझे देख कर चाह सकता है। ये सब उनके अंदर चलता है शुरुआती के दरमियान, क्योंकि शहंशाही करने की आदत होती है, तो राजा की तरह अपने आप को समझने की आदत होती है। अहंकार तो मानो जैसे पूरे बॉडी में भर दिया हो। सबसे ज़्यादा अहंकारी, सबसे ज़्यादा ईगोस्टिक, बात बात पर बोलने की आदत होती है कि मैं हूँ और बस मैं ही हूँ, सामने वाले पर अपना रोब जमाते हुए, तू जानता है मैं कौन हूँ, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, तुझे पता है कि तू किससे बात कर रहा है, तुझे पता है मेरा नाम क्या है। अपने नाम पर, अपनी शान पर, अपनी दुनिया पर इतना ज़्यादा घमंड होता है कि उनकी आत्मा ये स्वीकार ही नहीं कर पाती है कि उन्हें कोई साधारण सी स्त्री आकर उन्हें उनका असली चेहरा दिखा कर जाती है, और वो भी बिना कोई बात किए, बिना कोई सवाल किए।
बिना कोई मूवमेंट किए, बस डिवाइन फेमिनिन के सामने आते ही जो अहंकार उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है वो पता नहीं कहाँ भाग जाता है, साथ में उनकी बोली भी बंद हो जाती है। और जब भी वो अपने डिवाइन फेमिनिन के सामने आते हैं तब तब वो या तो उसे इग्नोर करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, या उसे देखकर भी अनजाना व्यवहार करते हैं, या कोई कोई डिवाइन मस्कुलिन तो ऐसे होते हैं अपने डिवाइन फेमिनिन के सामने जाते ही उनके शब्द ही गायब हो जाते हैं, उनकी बोलती ही बंद हो जाती है, या तो वो अपने अंदर कुछ तो ऐसा अनकम्फर्टेबल फील करते रहते हैं जैसे मानो उन्हें ये क्या हो रहा है। और हमारी कोई डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती है जो अपने डीएम को देखती भी नहीं है सामने आकर भी, लेकिन कोई कोई डिवाइन फेमिनिन तो ऐसी होती है जो वो अपने डिवाइन मस्कुलिन को इस तरह से घूरती है जैसे मानो अब तो वो उन्हें खा ही जाएगी। तो ऐसे डिवाइन मस्कुलिन अंदर से इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन के सामने आना ही पसंद नहीं करते हैं। तो अगर ऐसी डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर है तो वो अपने अनुभव को यहाँ पर बता सकते हैं, जब आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को घूरते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। और अगर कोई डिवाइन फेमिनिन ऐसा करती है तो मैं उनसे विनती करना चाहूँगी कि ऐसा ना करें, बेचारे पहले से ही परेशान हो जाते हैं। इसी की वजह से उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि कहीं कोई ये जादू टोना करने वाली तो नहीं है, या फिर इसने कहीं मुझ पर कोई जादू तो नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो अपने डिवाइन फेमिनिन की नज़रों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि वो नैसर्गिक स्वरूप से अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ खींचे जा रहे हैं, और वो इस बात से इतनी जल्दी सहमत भी नहीं होते हैं, इसीलिए उनके अंदर ये डर बैठ जाता है, क्योंकि उनके पास्ट में ऐसी कुछ घटनाएं भी होती है जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा था। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वो नैसर्गिक स्वरूप से अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, और वो अट्रैक्शन उनके कंट्रोल के बाहर का होता है, जिसमें वो ये कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई खींच रहा है। और इसमें फेमिनिन की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि वो आत्माएं जो नैसर्गिक स्वरूप से बिछड़ी हुई होती है वो फिर से नैसर्गिक स्वरूप से ही सामने आती है, तो उनका एक दूसरे के प्रति खींचा होना ये ईश्वरीय स्वाभाविक बात होती है। इसीलिए इस जर्नी को डिवाइन जर्नी कहा गया है, क्योंकि इसमें डिवाइन मस्कुलिन का और डिवाइन फेमिनिन का, यानी कि इन दोनों आत्माओं का मिलन होता है। तो चलिए दोस्तों, आपके कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला ये सवाल है कि इस जर्नी में डिवाइन मस्कुलिन का क्या रोल होता है। तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि उनका खामोश रहना, क्योंकि फेमिनिन तो अवेकन होती है और उसकी एनर्जी के साथ खुद का बैलेंस करना ये उनके लिए इतनी जल्दी आसान नहीं होता है, क्योंकि उन्हें स्पेस चाहिए होता है ताकि वो चीज़ों को समझे, सोचे और बाद में डिसीजन ले पाए। इसीलिए यूनिवर्स के थ्रू ही उनका थॉट चक्रा ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वो खामोश रहे, लेकिन उनकी ये खामोशी डिवाइन फेमिनिन को और भी ज़्यादा बेताब कर देती है, और उन्हें समझा कर यानी चेस कर करके या उनके सामने अपना माथा फोड़ फोड़ कर वो थक चुकी होती है। उन्हें रिक्वेस्ट करती रहती है, उनके हाथ पैर जोड़ती रहती है ताकि वो कुछ तो समझे, और बार बार उन्हें हिंट देती रहती है, जितना चाहे उतनी कोशिश करती है ताकि वो कुछ समझ पाए और इस कनेक्शन के बारे में जान पाए, लेकिन फिर भी अपना 100% देने के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है, और वो रिटर्न अपनी जगह पर आती है और ईश्वर से कहती है कि इसको संभालना और इसको समझाना अब मेरे बस की बात नहीं है, अब तू ही कुछ कर सकता है वरना मैं थक गई हूँ। और वो ये भी कहती है कि इस पर्सन ने मुझे जो पेन दिया है, जो मुझे दर्द दिया है, वो पेन मेरे अपने पूरे जीवन में भी कभी किसी ने मुझे आज तक नहीं दिया है, इतना दर्द, इतना पेन मुझे इस पर्सन की वजह से मिला है। तो मैं उन सभी डिवाइन फेमिनिन को एक बात क्लियर बताना चाहूँगी कि आपको जो भी इस जर्नी में पेन मिलता है वो पेन आपके ट्विन ने आपको नहीं दिया होता है, आपके डिवाइन मस्कुलिन ने आपको कोई पेन नहीं दिया होता है, बल्कि वो सारा पेन आपके अवेकनिंग का पेन होता है, आपके न्यू बर्थ का पेन होता है, आपकी सोल पर्जिंग होती है, जो पेन आपकी सूक्ष्म अवस्था को जागृत करता है। और जब किसी सोल की, जब किसी आत्मा की अवेकनिंग होती है तो उस आत्मा को उस पेन से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि उस दौरान वो आत्मा इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि उसके लिए एक छोटा सा शब्द भी किसी ने बोला हुआ हो तो वो उसके लिए जहर की तरह लगता है, जिसकी वजह से उसे वो दर्द असहनीय होता है,
इसलिए उस पेन के लिए आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को जिम्मेदार ना ठहराइए, क्योंकि वो तो ये भी नहीं जानते हैं कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। इसलिए आप उन पर कोई ब्लेम ना करें, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। भले ही वो अहंकारी हो, लेकिन उनकी आत्मा बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही इनोसेंट होती है, निर्दोष होती है। मैं डिवाइन मस्कुलिन के ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं सुनना चाहूँगी, क्योंकि आज आप जो भी है आप उनकी वजह से है, और आज मैं जो भी हो वो मेरे डिवाइन मस्कुलिन की वजह से ही हूँ। और मैं सभी डिवाइन मस्कुलिन के लिए ईश्वर से, यूनिवर्स से, एंजल्स से प्रेयर करती हूँ कि उनकी जल्द से जल्द अवेकनिंग हो जाए, और वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने डिवाइन फेमिनिन से रियूनाइटेड हो जाए, उसके साथ कनेक्ट हो जाए, जो आज भी उनका इंतज़ार कर रही है, जो आज भी उनके इंतज़ार में खड़ी है। तो हमारा दूसरा सवाल है कि क्या डिवाइन मस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन के रहस्यों के बारे में जानने में सफल हो जाते हैं? तो इसका जवाब है कि खुद डिवाइन मस्कुलिन इन सारे रहस्यों के बारे में सबसे पहले वही जानते हैं, बस वो अपने फेमिनिन को आगे बढ़ने के लिए खामोशी से पुश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि फेमिनिन अपना समय बर्बाद ना करे और आगे बढ़े, क्योंकि वो अपने कार्मिक बैगेजेस को अपने सर से उतार कर आ सके, इसलिए उन्हें मोहलत की आवश्यकता होती है। लेकिन ये बात हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन समझ ही नहीं पाती है कि इतना बड़ा कार्मिक बोझा सर पर लेकर वो उसके साथ कैसे चल पाएंगे, क्योंकि फेमिनिन के सर पर तो कोई बोझा नहीं होता है, और उसने अपना सारा कार्मिक बोझा अपने सर से हटा दिया होता है, क्योंकि फेमिनिन अपने सारे कार्मिक अकाउंट को क्लियर करते करते ही उनके पास पहुंची हुई होती है, और उसके कार्मिक अकाउंट क्लियर होने के बाद ही ईश्वर उसे अपने ट्विन से मिलवाते हैं, अदरवाइज वो कभी अपने ट्विन से इस जन्म में नहीं मिल पाती। इसीलिए फेमिनिन को मेरा यही कहना है कि वो जल्दबाजी ना करे, वो अपने डीएम को उनके कार्मिक अकाउंट क्लियर करने दे, और ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करती रहे कि उनके जल्दी जल्दी कार्मिक अकाउंट क्लियर हो पाए, ताकि वो आपके साथ आसानी से रीयूनाइटेड हो पाए, और वो खुद अपने आप पर फोकस करे और अपने ईश्वर के साथ अपना जीवन कार्य पूरा करने में अपना समय व्यतीत करे, ताकि जिसकी वजह से उनके डिवाइन मस्कुलिन को भी समय मिले और उन्हें स्पेस मिले, और इस कनेक्शन को समझने के लिए उन्हें स्पेस की बहुत आवश्यकता भी होती है। इसलिए अपने जर्नी पर संदेह ना करें और आगे बढ़ते रहें। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि क्या डिवाइन फेमिनिन का उनके डिवाइन मस्कुलिन के साथ रियूनियन होता है क्या? तो इसका जवाब ऊपर ही आया है, इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि जब तक डिवाइन मस्कुलिन के सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होते हैं, जब तक वो भी आपकी तरह क्लीन नहीं होते हैं, तब तक ये संतुलन ऊपर नीचे होता ही रहेगा। जिस समय और जिस क्षण उनके सारे कार्मिक हिसाब किताब क्लीन हो जाते हैं, उनका सारा लेन देन, अगले पिछले जन्मों का सारा हिसाब किताब, सारा लेन देन पूरा हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो उसी क्षण वो आपसे नैसर्गिक स्वरूप से रियूनाइटेड हो जाते हैं, और इसमें आपकी खुद की कोई भी फोर्सिंग की एनर्जी नहीं होती है, ये सब नैसर्गिक स्वरूप से ही होता है। इसलिए आप अपनी चलाना बंद कर दें, या तो आप परमात्मा की चलने दें, या फिर आप खुद ही अपना जोर जबरदस्ती लगाकर उन्हें पाने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रेम हमारी जर्नी में कहीं पर भी नहीं है कि किसी को पाने के लिए आप पागलों की तरह उनके पीछे भागें और अपने जीवन कार्य को ही भूल जाए। जो कार्य आपको करना है उसको छोड़कर बस आप अपना डीएम डीएम करते करते अपने समय को बर्बाद कर देंगे, तो ऐसा ना करें, अपने आप को संतुलित रखें। और दोस्तों, जो चीज़ हमारी होती है उसके ऊपर क्या हक जताना, आज ना कल तो उन्हें अपने घर में लौटना ही है, लेकिन उन्हें बस याद तो आने दीजिए कि वो अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। जब उन्हें अपने घर का रास्ता मिल जाएगा तो वो खुद ही अपने घर लौट आ जाएंगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि क्या डिवाइन मस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए अपने 3D वर्ड को छोड़ देते हैं क्या? तो इसका जवाब ये है कि उन्होंने 3D वर्ड को पकड़ा ही कहा है, बल्कि 3D वर्ड ने ही उन्हें पकड़ के रखा हुआ है, और उसमें ये सारी चीज़ें आती है, जैसे उनके घर का माहौल, उनके सोसाइटी का माहौल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके ऊपर लोगों के लेन देन, उनके कर्मा, उनके हिसाब किताब, उनके घर के सदस्य, उनके प्रियजन, उनके आसपास के लोग, उनके फ्रेंड सर्कल, उनके रिलेटिव्स, उनके सगे संबंधी, ये सारा उनका 3D वर्ड होता है। समाज ने उन्हें बांधकर रखा हुआ होता है, वरना आज़ादी कौन नहीं चाहता है? समाज ने उनको बांधकर रखा हुआ है, वरना बेड़ियों में रहना कौन चाहता है? कौन नहीं चाहता है आज़ादी में रहना?
लेकिन डिवाइन मस्कुलिन खुद एक न्याय प्रधान इंसान होते हैं और वो स्वयं एक न्यायाधीश की तरह काम करते हैं और वो कभी भी किसी पर भी अन्याय नहीं देख सकते हैं और यही उनकी खामोशी का कारण होता है। क्योंकि भले ही अहंकार उनके अंदर होता है लेकिन वो हमेशा से ही लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों में उनका उच्च स्वरूप का दर्जा होता है। अपनी पोजीशन को हटाकर रिजाइन देना यानी कि उनके लिए कितने सारे लोगों की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। और आप क्या चाहते हो कि वो अपनी थ्रीडी की दुनिया छोड़कर आपके साथ चल जाए? तो सबसे पहले मुझे ये एक बात बताइए कि क्या आप अपने 5D वर्ल्ड को छोड़कर आप एक नॉर्मल 3D के पर्सन की तरह अब इस 3D वर्ल्ड में रह सकते हो क्या, जिस 3D वर्ल्ड को आपने इतनी मेहनत से छोड़ा है और 5D वर्ल्ड को अचीव किया है? अपने अंदर के सारे अवगुणों का आपने विनाश किया है, अपने अंदर का राग द्वेष मोह माया मत्सर अहंकार ईर्ष्या इन सारे अवगुणों का आपने त्याग किया है, तो क्या आपने इन सारी चीज़ों को इतनी आसानी से छोड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको कितनी सारी मेहनत करनी पड़ी, कितनी सारी तपस्या करनी पड़ी, कितनी सारी साधना करनी पड़ी, कितना मेडिटेशन करना पड़ा। इस 3D को पार करने के लिए आपने क्या कुछ नहीं खोया है? आपने अपनी 3D वर्ल्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तब जाकर आपकी एंट्री 4D में हुई है और आपने 4D को अचीव किया है और फिर भी आपकी परीक्षाएं अभी तक चल रही है और आगे भी चलती रहेंगी। तो क्या 3D वर्ल्ड को 4D वर्ल्ड को 5D वर्ल्ड को आगे बढ़ाने के बजाय आप 3D वर्ल्ड में फिर से पीछे आना पसंद करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि अवेकनिंग होने के बाद कोई आत्मा पीछे नहीं लौटती, या तो वो आगे आगे ही बढ़ती जाएगी या फिर अपने आप को एक ही जगह पर स्टक कर देगी, लेकिन पीछे नहीं जाएगी। आप अपने ट्विन का इंतज़ार ना करें, बस अपने आप को आगे बढ़ाते रहे, तो वो भी आपकी ही सोल का टुकड़ा है, वो भी आपकी ही आत्मा का टुकड़ा है। आपके साथ नहीं आएगा लेकिन आपके पीछे ज़रूर आएगा और अपने आप ही आपको जुड़ जाएगा। आपको बस अपने ट्विन के लिए प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है ईश्वर से, यूनिवर्स से, एंजल से, एंजल से मदद लेनी है ताकि ये आपकी जर्नी आसान हो जाए। आपको ईश्वर से ये प्रेयर करनी है कि जल्दी जल्दी आपके ट्विन अपने 3D वर्ल्ड के कामकाजों को निपटा कर 4D वर्ल्ड में 5D वर्ल्ड में एंटर करे ताकि वो आपको पहचाने, इस कनेक्शन को पहचाने। लेकिन ये उम्मीद कभी ना करें कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अधूरा छोड़कर, अपनी 3D वर्ल्ड की जिम्मेदारियों को अधूरा छोड़कर आपके साथ आए। और अगर ऐसा हुआ तो इसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि बार बार वो आपको छोड़कर 3D में आना जाना ही करते रहेंगे। परमानेंटली वो आपके साथ कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके लेन देन का हिसाब अभी भी बाकी होता है, जिसको चुकता करने के लिए वो फिर से 3D वर्ल्ड में जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्हें अपने कामों को निपटाने दीजिए। और अगर आप भी 5D में हो तो अपने आप को 5D के आगे के डायमेंशन में अपने आप को लेकर चलिए। उन्हें जब आना हो तो वो खुद ही चले आएंगे और आपके साथ बिना फोर्सिंग से जुड़ जाएंगे। अगला जो सवाल है वो ये है कि ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन मुझे सेशन के दौरान पूछती है, क्या उन्हें कभी इस जर्नी के बारे में पता चलता है या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि ट्विन फ्लेम नाम की कोई जर्नी होती है या नहीं होती है ये पता उन्हें हो ना हो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के बारे में वो भलीभांति जानते हैं और यही आध्यात्मिकता उन्हें इस जर्नी से जोड़ देती है। क्योंकि जब उनकी एक सोल का टुकड़ा इस सफ़र से गुजरता है तो उनको भी इसी सफ़र से गुजरना पड़ता है, क्योंकि यही वो सफ़र है जिसमें ये दोनों आत्माएं मिली थी। तो जब तक वो अनवेकन होते हैं तब तक वो इस जर्नी को कैजुअली और नॉर्मली ही लेते हैं, लेकिन चीज़ें जब कुछ ज़्यादा ही सीरियस और गंभीर होने लगती है या उन्हें ऐसे ऐसे रियलाइजेशन करवाए जाते हैं जो उन्हें शॉक कर देते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं खुद उन अनुभवों से गुजर रहा हूँ, तब जाकर वो बिलीव करने लगते हैं। आपके समझाने से या आपके फोर्स करने से वो कभी भी इस जर्नी को मानेंगे नहीं, या तो वो आपको पागल कहेंगे या बेवकूफ़ कहकर आपको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उनके साथ उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती है। लेकिन जब वो ये सारे एक्सपीरियंस खुद लेते हैं तब वो रियलिटी को समझने लगते हैं, तब उन्हें रियल फेस नज़र आने लगते हैं और तब उनके सामने फेक फेस आने लगते हैं जो उन्हें धोखे देते हैं, जो उनके पीठ पीछे उनके साथ गेम खेलते हैं, उन्हें भ्रम में डालते हैं। तब जाकर उनके भ्रम टूटने लगते हैं
और उन्हें भी तब इस पेन भरी जर्नी से गुजरना पड़ता है, उनकी भी अवेकनिंग होने लगती है, फिर उनके भी कदम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, वो भी अपने आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाने लगते हैं। और जितना डिवाइन फेमिनिन अपने वर्क को तेजी से निपटाने की कोशिश में होती है, उतनी ही तेजी से उनके डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग होने लगती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी को मेरी आवाज़ इतनी पसंद है तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहूँगी। आप सभी की हमेशा शिकायत रहती है कि मैम आप वीडियो को लंबा बनाइए, आप वीडियो को पूरा कीजिए, तो चलिए आज ही इस वीडियो को हम लंबा ही बना देते हैं। तो अगला जो सवाल है कि डिवाइन मस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन की क्या क्या चीज़ें पसंद होती है और उन्हें क्या क्या अच्छा लगता है, ये सवाल आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, डिवाइन मस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन की हर चीज़ पसंद होती है। मुझे शर्म ना आए तो मैं बता देती हूँ, उसकी पूरी फिगर ही उन्हें बहुत पसंद आती है, लेकिन ये सब उनकी हिडनली बातें होती है जो मैं खुद आपको शेयर कर रही हूँ, और ये बात वो आपको सामने से कभी भी शेयर नहीं करते हैं। लेकिन मैं हूँ ना आपके लिए, जो आपके डिवाइन मस्कुलिन की सारी बातें मैं आपको शेयर करती रहूँगी, चाहे वो आपसे बात करे या ना करे, आपको ब्लॉक करे, आपको दूर करे, फिर भी आपको हमारे चैनल के द्वारा वो सारी बातें आपको जानने को मिलेगी जो डिवाइन मस्कुलिन सोचते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं। तो मैं कह रही थी कि डिवाइन मस्कुलिन को अपने डिवाइन फेमिनिन की फिगर यानी उसकी पूरी बॉडी ही पसंद होती है, साथ ही साथ उन्हें अपने डिवाइन फेमिनिन की आँखें बहुत पसंद आती है। हालांकि वो उन आँखों को कभी ज़्यादा नहीं देख सकते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनिन की नज़रें उन्हें बहुत कातिल लगती हैं, जैसे कि एक नज़र में ही वो उनका कत्ल कर देती है। और जितनी ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन शांत और जितनी ज़्यादा बैलेंस होती है उसके अंदर, उतनी ही ज़्यादा पावर होती है कि वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ बात किए अपने डिवाइन मस्कुलिन की सारी हरकतें अंदर से वो समझने लगती है, अपने डिवाइन मस्कुलिन की सारी बातें वो अंदर से ही जानने लगती है कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। और वो अपनी आत्मा के द्वारा अपने मस्कुलिन को ये भी बताने में सक्षम हो जाती है कि वो किस तरह से उनकी तरफ खींची जा रही है। डिवाइन फेमिनिन उनको बिना देखे ही उनकी तरफ नज़र रखती है, और मस्कुलिन को भी ये बात अच्छे से पता होती है कि उनकी डिवाइन फेमिनिन अच्छी तरह से उनके ऊपर नज़र रखी हुई है। डिवाइन मस्कुलिन को और भी एक बात उसकी बहुत पसंद होती है, वो होती है उसकी मुस्कुराहट, उसकी स्माइल। उन्हें उसकी मुस्कुराहट इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसकी हर एक बात, उसका बात करने का ढंग, उसके चलने का ढंग, उसकी हर अदा उन्हें खींचती है। लेकिन वो अपने आप को जितना रोकते हैं उतनी ही उनकी आत्मा उतना ही प्रेशर से डिवाइन फेमिनिन की तरफ खींचने लगती है, और ये प्यारी लड़ाई उनके अंदर ऐसी ही चलती रहती है। वो अपनी आत्मा को रोकने की कोशिश करते रहते हैं और उनकी आत्मा डिवाइन फेमिनिन की तरफ जाने की जिद करती रहती है। और ये कब तक चलता है, ये तो मैंने इस वीडियो में हर बात पर बताया है कि जब तक ये दोनों आत्माएं संतुलित ना हो तब तक ये प्यारी लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बार बार देखिए, अच्छे से समझिए, और अपनी आगे की यात्रा पूरी करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स सब आपके साथ है। आप सभी मेरे एंजल्स हो, हमारे इस स्पिरिट वर्ल्ड के स्पिरिट एंजल्स हो, और मैं आप सभी के लिए एंजल से प्रेयर करती हूँ, यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रेयर करती हूँ कि आपकी जर्नी आसान हो। और एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ इस वीडियो में, जब भी आपको सेशन लेना होता है तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, क्योंकि आपके कॉल्स हम तक नहीं पहुँच सकते हैं, इसीलिए आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं विदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।